कोरबा में एसईसीएल प्रबंधन ने समझौता के बाद भी नहीं की पहल। भूविस्थापित धरने पर बैठे भूविस्थापितों के साथ समझौता वार्ता करने के बाद भी एसईसीएल प्रबंधन ने सकारात्मक पहल नहीं की। इससे नाराज भूविस्थापितों ने खदान के मलगांव फेस के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भूविस्थापितों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा सभी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। प्रबंधन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। गेवरा दीपका खदान के भूविस्थापितों के साथ प्रबंधन ने वार्ता कर समस्या निदान का आश्वासन भी दिया, पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर बैठक कर ग्रामीणों ने पुनः आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की और अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने बताया कि जून माह से लगातार प्रबंधन के क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर से भूविस्थापितों की मांगों पर बातचीत और अधिकारियों के आश्वासन देने का दौर चल रहा है। खदान बंद कराने के बाद भी प्रबंधन अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा है, इसलिए संगठन ने बैठक कर कई चरण में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, चारों पोस्ट में कार्य पदाधिकारी जुड़े हैं और जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग करेंगे जब तक हम लोगों का मांग और समस्याएं जब तक हल नहीं हों। मेन मांग तो नौकरी और मौजा बसाहट है, वैकल्पिक रोजगार है और बहुत सारे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। अब जब से खदान चालू है पुराने अर्जन के समय से समस्याएं रुकी हुई हैं। कई बार मीटिंग में चर्चा हुआ है, बस आश्वासन दिया जाता है हम लोगों को, उसके बाद जो है डाउन मटोल करके आज से छोड़ दिया। आज तहसीलदार महोदय आए थे लेकिन चर्चा नहीं हो पाई है। आगे हम लोग चारों परियोजना के पदाधिकारी हैं और दीपका कुसमुंडा गेवरा तीनों माइंस को हम लोग ठप करने वाले हैं जब तक हम लोग समस्या और मांग पूरी नहीं। भूविस्थापित हैं, पूरी तरह से प्रभावित हैं। आज चारों परियोजना के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। एसईसीएल के बाद हमारी कितनी सारी वार्ताएं हुई हैं, केवल आश्वासन का झुंझुना उनके द्वारा हमको पहनाया जाता है। अंततः विवश होकर हम सारे क्षेत्र के ग्रामीण आज यहाँ जो है इसका वोट बटन के काम को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पे की शुरुआत की है। यह अनिश्चितकालीन है, धरने के अंतर्गत बहुत सारे विविध प्रकार के कार्यक्रम होंगे और बहुत सारे उसका रूप बदलेगा। आगे अंततः यही दिखता है कि चारों तरफ से प्रोडक्शन को हम बंद कर देंगे, गेवरा दीपका हर जगह ये कार्यक्रम होगा। देखिए बसाहट मुआवजा और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था को अगर ये सुनिश्चित नहीं करते हैं एसईसीएल प्रबंधन तो हम यथावत लड़ते रहेंगे। विगत 10-15 साल से ये तो पूरा क्षेत्र शुरू से ही प्रभावित है, जब से ये खदान खुली है तब से यहाँ के भूविस्थापितों की यही समस्या रही। बसाहट रोजगार और मुआवजा को लेकर एसईसीएल गोलमोल रवैया अपनाता है, अगर मीटिंग बैठक बहुत सारे हुए इसमें ढुलमुल रवैया अपना करके आश्वासन का केवल झुंझुना हमको पहनाया जाता है। एक परियोजना स्तर पर बैठक करके समस्याओं का निराकरण इसके द्वारा कभी तक नहीं किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट।